अगर आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। देखिए यहाँ पे जो है प्रति माह मतलब हर महीने मैंने यस बैंक के बारे में बताया है, अलर्ट किया है। ये देखिए 3 महीने पहले का वीडियो है और फिर यहाँ पे भी मैंने बनाया था कि क्या यस बैंक पेनी स्टॉक बन जाएगा, अलर्ट करता था हमेशा। और फिर देखिए यहाँ पे यस बैंक के शेयर में आई जान जब इसके काफ़ी ऊपर फिर भागा था एक बारी, फिर यस बैंक 404 से 79 पे। तो इस तरीके से हर कदम पे कदम मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अपने मेंबर्स के लिए बनाता रहा। फिर देखिए यस बैंक आज उड़ गए पचखड़े, यानी कि उस दिन बहुत भयानक गिरावट थी। फिर यस बैंक हुआ चकनाचूर, फिर यहाँ पे भी भयानक गिरावट थी। इस तरीके से रीज़न के साथ और क्या क्या कारण रहे वो सब मैं बताता गया स्टेप बाय स्टेप। तो फिर मैंने अभी हाल ही में यस बैंक की पूरी एक आत्मकथा, पूरी इनके डिटेल्स बताई थी, कौन फाउंडर कैसे क्या हुआ। फिर भयानक बिकवाली से बनाया नया साल का था, ये मैं परसों बनाया था यानी कि एक दिन पहले। और आज फिर इसी कड़ी में मैं आज यस बैंक में एक पेपर से मैं रिलेटेड एक न्यूज़ में पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने, हिंदी वालों को, जिनको देखिए जिनको बहुत ज़्यादा इसमें पता हो या जिनको इन्फॉर्मेशन है तो वो लोग चाहें तो बिल्कुल यहाँ पे क्विट कर सकते हैं और अपना समय बचत कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को इंटरेस्ट है ऑब्वियस सी बात है उसमें जुड़े रहें। और मैं आगे की थोड़ी सी खबर पढ़ लेता हूँ और ख़बर के साथ साथ देखिए सिंपल सी बात जो इसकी हेडलाइन है, 80,000 करोड़ से 8,000 करोड़ ऐसे बर्बादी की ओर बढ़ा यस बैंक। मानी कहने का तात्पर्य है कि 80,000 करोड़ एक वर्ष पूर्व जो है इसका मार्केट कैप था और अब 8,000 करोड़ के आसपास है, जैसा कि हम यहाँ भी देख सकते हैं। वर्तमान जो इसका मार्केट कैप बचा हुआ है इतनी बिकवाली के बाद 8,161 करोड़, पी रेशियो 14 का और बुक वैल्यू 10, बुक वैल्यू से कितने नीचे पे ट्रेड कर रहा है प्राइस। इसका प्राइस तो आप सबको पता ही होगा कल कितनी भयानक गिरावट आई थी, इसमें 32 रुपये पे जो है ये स्टॉक प्राइस आ गया। तो फटाफट मैं थोड़ा न्यूज़ पढ़ देता हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। यहाँ पे देखिए यस बैंक का मार्केट कैप 8,161 करोड़ रुपये है, बैंक का नेट प्रॉफिट 2,505 करोड़ रुपये कम हुआ है। कुछ साल पहले जब भी देश के चर्चित निजी बैंकों की बात होती थी उसमें यस बैंक का नाम भी आता था। करीब 15 साल पहले शुरू हुआ यह बैंक आज संकट के दौर से गुजर रहा है। यस बैंक की बदहाली इतनी बढ़ गई कि सिर्फ एक साल में इसके निवेशकों को 90% से ज़्यादा का नुकसान हो गया है। अगस्त 2018 में यस बैंक का जो शेयर 400 रुपये से अधिक के भाव पर बिक रहा था वो आज लुढ़ककर 32 रुपये के स्तर पर आ गया। इसका असर बैंक की मार्केट वैल्यू पर भी पड़ा है और यस बैंक का मार्केट कैप आज 8,161 करोड़ रुपये ठहर गया। वहीं सितंबर 2018 में यस बैंक का मार्केट कैप करीब 80,000 करोड़ रुपये था, यानी बैंक के मार्केट कैप में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमी आई है। उदाहरण से समझें, अगर हम मान लीजिए अगस्त 2018 में सुधीर ने यस बैंक के तब के भाव पे 404 रुपए के भाव पे 10 शेयर लिए, यानी कि 10 शेयर के एक सुधीर ने 4,040 रुपए निवेश किए। अब 13 महीने के बाद आज ये 10 शेयर लुढ़ककर 320 रुपए के हो गए, यानी कि 13 महीने में 3720 रुपए का नुकसान हुआ जो इन्वेस्टर था, वहीं पर शेयर उसने 372 रुपये गंवा दिए। कहने का मतलब है कि जिस निवेशक ने इस बैंक में 1,00,000 रुपये भी निवेश किए होंगे उनकी करीब 90% पूंजी डूब चुकी है, क्वांटिटी नहीं डूबी है, आपके शेयर्स उतने ही बने हुए लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो डूब चुकी है, कम हो गई है। बैंक का मुनाफा और एनपीएस, बैंक के नेट प्रॉफिट यानी मुनाफे की बात करें तो बीते एक वर्ष में 2,505 करोड़ रुपये कम हुआ है। वित्त वर्ष 2019 में यस बैंक का नेट प्रॉफिट 1,720 करोड़ रुपये का था। यस बैंक पहले का वित्त वर्ष 18 में नेट प्रॉफिट, हालांकि वित्त वर्ष हम सब बता ही चुके हैं हर वीडियो में, आप सबको भी पता होगा क्यों हुई यस बैंक की ये हालत, ये जानना ज़रूरी है। अगर हम देखें शेयर मार्केट बहुत रिस्की लाइन तो है, अचानक किसी बैंक में अंदर क्या चल रहा है आपको क्या मालूम है। एक वर्ष पूर्व कितनी अच्छी बैंक थी यस बैंक, टॉप की बैंक्स में आती थी, निफ्टी 50 का बैंक है, किसको पता था कि अंदर क्या चल रहा है और आरबीआई की तरफ से ऐसी इसकी मतलब मार पड़ेगी। देखिए बीते कुछ सालों में इस बैंक को एक के बाद एक झटके लगे हैं। इसमें सबसे बड़ा झटका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की ओर से दिया गया। दरअसल बीते साल आरबीआई को लगा कि यस बैंक अपने डूबे हुए कर्ज और बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ी कर रहा है, नोटिस किया आपने बात। आरोप के मुताबिक आरबीआई को यस बैंक सही सही जानकारी नहीं दे रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि आरबीआई ने यस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर को ज़बरदस्ती पद से हटा दिया। बैंक के इतिहास में पहली बार था जब किसी चेयरमैन को इस तरह से पद से हटाया गया। इसके अलावा आरबीआई ने बैंक पर कई पाबंदियां लगा दी। हाल ही में आरबीआई ने एक अन्य कार्रवाई में बैंक पर स्विफ्ट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर से जुड़े दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है और यस बैंक को क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल
प्लेसमेंट यानी QIP के तहत जो भी ये लोग फंड उठाते हैं के मोर्चे पर भी झटका लगा। दरअसल QIP के जरिए बैंक को जो फंड जुटाने का लक्ष्य रखा था वो पूरा नहीं हो सका। बैंक ने QIP के जरिए 1930 करोड़ रुपए जुटाए थे। ये बता दें QIP कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने का एक जरिया होता है। ऐसे माहौल में दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां बैंक को संदिग्ध नज़र से देख रही हैं और नेगेटिव मार्केटिंग कर रही हैं, और इसी के तहत बीते अगस्त में रेटिंग्स एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने इस बैंक को डाउनग्रेड करके एक जंक वर्ग में डाल दिया। इसके साथ ही एजेंसी ने बैंक के उम्मीद से कम पूंजी जुटाने और आने वाले समय में पूंजी जुटाने की उसकी क्षमता को लेकर चिंता जताई है। और यस बैंक का मैनेजमेंट उठा पटक का असर भी बैंक के शेयर पर पड़ा। इस वजह से लंबे समय से अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। हालांकि बैंक की ओर से समय समय पर मैनेजमेंट में किसी तरह के गतिरोध की आशंका खारिज की जाती रही। यस बैंक की बदहाली का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले दुनिया के टॉप 10 बैंकों की सूची में शामिल हो गया है। बीते अगस्त महीने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि टॉप 10 बैंक्स में 7 सिर्फ भारत के बैंक हैं, इनमें से वन ऑफ द यस बैंक है। यस बैंक की इस बदहाली के बीच बैंक के प्रमोटर लगातार अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, ये भी देखिए नोटिस करने वाली बात है। हाल ही में राणा कपूर और उनकी समूह इकाइयों ने अपनी 2.1616% हिस्सेदारी 510 करोड़ रुपए में बेच दी। बैंक की ओर से शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक राणा कपूर और उनके परिवार के मालिकाना हक वाली इकाइयों यस कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड इन शेयरों की बिक्री कर 510 करोड़ रुपए हासिल किए। इस बिक्री के बाद कपूर और उनके समूह इकाइयों की यस बैंक में हिस्सेदारी घटकर 4.72% रह गई। इससे पहले यस कैपिटल ने पिछले सप्ताह 1.8% हिस्सेदारी बेची थी। बैंक के मुताबिक इस हिस्सेदारी बिक्री से उसे 240 करोड़ रुपए मिले। इससे पिछले महीने मॉर्गन क्रेडिट्स ने बैंक में अपनी 2.3% हिस्सेदारी 337 करोड़ रुपए में बेची थी। इस हिस्सेदारी की बिक्री से हासिल राशि से रिलायंस निप्पॉन लाइफ AMC के बकाए के एक हिस्से का भुगतान किया गया। फ्रेंड्स, ये रही एक छोटी सी न्यूज जो मैंने आपके समक्ष पढ़ दी, और इस प्रकार से अगर हम इसके रिटर्न देखते हैं कितने बचे हैं 10 वर्षों में, देखिए 10 वर्षों में जहां एक साल पहले यहां पे 1000% ज्यादा के रिटर्न देखते थे, इतनी जबरदस्त गिरावट, इतनी भयानक गिरावट आई कि 10 वर्षों में लॉस होगा। जिन्होंने 1 लाख रुपए लगाए होंगे 10 वर्ष पूर्व भी, उनका भी पैसा जो आज वैल्यू है वो भी 19% लॉस है। 5 वर्षों में 71% और 3 ईयर्स में 87% रह गए लॉस है, और 1 ईयर में भी 84% का लॉस, ईयर टिल डेट में 82% का लॉस, लगातार जो है नुकसान। यस बैंक की हालत ऐसी हो गई है। तो ये रही आज की जो सिचुएशन है। अब ऐसे में देखिए यहाँ पे ना मैं कुछ कहने वाला हूँ, मुझे लगता है कि आप ही नहीं, बड़े बड़े फंड हाउसेस, बड़े बड़े जो फंड हाउसेज, बड़ी बड़ी कंपनियां जो निवेशित थीं इसमें, उन सबको नुकसान हुआ है। कुछ लोग बेच के निकल गए, कुछ लोग भाग गए, क्या करें। वह लगातार इसमें इतनी भयानक गिरावट, इस बैंक से लोगों को उम्मीद नहीं थी। इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे, अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, देखिए शांति शांति शांति। अगर आपका रुपया, मान लीजिए एक साल पूर्व जिन्होंने निवेश किया रहा होगा, अब 82% का लॉस है, मतलब सिर्फ 1 लाख रुपए की वैल्यू रह गई 18,000 के आसपास, तो आप क्या करें, क्या आप बेचना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब कुछ पैसा मिलेगा ही नहीं। इससे अच्छा है कि भैया क्वांटिटी पड़ी रहने दो, यही मैं कह सकता हूँ। और अभी और नीचे तक कितना ही नीचे जाएगा ये भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत इसकी, अभी आपके सामने जो समक्ष मैंने न्यूज़ पढ़ी तो आप देख ही चुके हैं कि वर्ल्ड वाइड इतनी इसका जो बैंक में रेपुटेशन है वो भी चला गया, और प्लस जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा इसमें जो है खबरें फैलाई, बुरी बुरी रेटिंग्स दी, कि उससे और लोग जो है पैनिक में आके भयानक बिकवाली की। NPA नो डाउट इनका ज़बरदस्त था, जो कहीं ना कहीं प्रमोटर्स की तरफ से छुपाया गया था, जो RBI को सही जानकारी नहीं दे रहे थे, ये बहुत बड़ा रीज़न रहा। इसलिए RBI ने सीधे प्रमोटर्स को, राणा कपूर को बाहर का रास्ता दिखा दिया था ज़बरदस्ती, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। तब से इस बैंक में लगातार जिस प्रकार से प्रमोटर्स भी बेच बाच के भाग गए अपनी जो उनकी होल्डिंग्स थी, तो ये रही यस बैंक के सबसे बड़े जो कारण थे आज तक के। तो
संभवतः मैंने मुझे लगा कि आप दर्शकों के साथ अपने सब्सक्राइबर साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।